नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म ज्ञान का जो मूल है, जो उपनिषदों पर आधारित है, उसके दूसरे पाद को हम लेकर आज आप सबके लिए उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। दूसरा पाद, प्रथम पाद में यह निर्णय किया गया कि आनंदमय, आकाश, ज्योति तथा प्राण आदि नामों से उपनिषद में जो जगत के कारण का और उपास्य देव का वर्णन आया है, वह परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। प्राण शब्द का प्रसंग आने से छांदोग्य उपनिषद 3.14.2 में आए हुए मनोमय, प्राण, शरीर आदि वचनों का स्मरण हो आया। अतः उक्त उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14वें खंड पर विचार करने के लिए द्वितीय पाद प्रारंभ करते हैं। इस पाद में यह पहला प्रकरण 8 सूत्रों का है। छांदोग्य उपनिषद में पहले तो संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप समझकर उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। उसके बाद उसके लिए सत्य संकल्प, आकाशात्मा और सर्वकर्मा आदि विशेषण दिए गए हैं, जो कि ब्रह्म के प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात उसको अणियान अर्थात अत्यंत छोटा और ज्यायान सबसे बड़ा बताकर हृदय के भीतर रहने वाला अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्य देव कौन है, जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही, इसका निर्णय करने के लिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। सर्वत्र प्रसिद्धो उपदेशात्, सर्वत्र संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्धो उपदेशात् जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण रूप से प्रसिद्धि परब्रह्म का ही उपास्य देव के रूप में उपदेश हुआ है। इसलिए छांदो की श्रुति 3.14 में बताया हुआ है उपास्य देव ब्रह्म ही है। व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद अध्याय 3 के 14वें खंड के आरंभ में सबसे पहले यह मंत्र आया है। सर्वं खल्वेदं ब्रह्मा तज्जलानीति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेता प्रत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत निश्चय ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय उसी में चेष्टा करता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। साधक को राग द्वेष रहित शांत चित्त होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय और इस लोक में यह जैसे संकल्प से युक्त होता है, यहाँ से चले जाने पर परलोक में यह वैसा ही बन जाता है। अतः उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिए। इस मंत्र वाक्य में उसी परब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा गया है, जिससे सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा जो समस्त वेदांत वाक्यों में जगत के महाकारण रूप से प्रसिद्ध है। अतः इस प्रकरण में बताया हुआ उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। संबंध, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि छांदोग्य उपनिषद 3.14.2 में उपास्य देव को मनोमय और प्राण रूप शरीर वाला कहा गया है, यह विशेषण जीवात्मा के हैं, अतः उसको ब्रह्म मान लेने से उस वर्णन की संगति कैसे लगेगी। इस पर कहते हैं विवक्षिति गुणोपपतेश्च च तथा विवक्षित गुणोपपत्ते, श्रुति द्वारा वर्णित गुणों की संगति उस परम ब्रह्म में ही होती है, इसलिए इस प्रकरण में कथित उपास्य देव ब्रह्म ही है। व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद 3.14.2 में उपास्य देव का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदमभ्यातो अवाक्यनादरः। अर्थात वह
उपास्य देव मनोमय प्राण रूप शरीर वाला प्रकाश रूप सत्य संकल्प आकाश के सदृश व्यापक संपूर्ण जगत का कर्ता पूर्ण काम सर्वगंध सर्वरस इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित तथा संभ्रम शून्य है। इस वर्णन में उपास्य देव के जो उपादेय गुण बताए गए हैं वे सब ब्रह्म में ही संगत होते हैं। ब्रह्म को मनोमय तथा प्राण रूप शरीर वाला कहना भी अनुचित नहीं है, क्योंकि वह सबका अंतर्यामी आत्मा है। केनोपनिषद में उसको मन का भी मन तथा प्राण का भी प्राण बताया है। इसलिए इस प्रकरण में बतलाया हुआ उपास्य देव पर ब्रह्म परमेश्वर ही है। संबंध उपर्युक्त सूत्र में श्रुति वर्णित गुणों की उत्पत्ति संगति ब्रह्म में बताई गई है। अब जीवात्मा में उन गुणों को अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। अनुपपत्तेस्तु न शरीरः तु परंतु अनुपपत्ते जीवात्मा में श्रुति वर्णित गुणों की संगति न होने के कारण शरीर जीवात्मा न इस प्रकरण में कहा हुआ उपास्य देव नहीं है। व्याख्या उपासना के लिए श्रुति में जो सत्य संकल्पता सर्वव्यापकता सर्वात्मकता सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण बताए गए हैं वे जीवात्मा में नहीं पाए जाते। इस कारण इस प्रसंग में बताया हुआ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है ऐसा मानना ठीक है। संबंध प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध किया जाता है। कर्मकर्त्री व्यपदेशाच कर्मकर्त्री व्यपदेशात उक्त प्रकरण में उपास्य देव को प्राप्ति क्रिया का कर्म अर्थात प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया है। इसलिए च भी जीवात्मा उपास्य नहीं हो सकता, जैसा कि केनो उपनिषद में आया है श्रोत्रस्य श्रोतम मनुषो मनो यद्वाचो ह वाचम स हो प्राणस्य प्राणः। व्याख्या छांदोग उपनिषद 3.14.4 में कहा गया है कि सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है। मरने के बाद यहाँ से जाकर परलोक में मैं इसी को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्य देव को प्राप्त होने योग्यता जीवात्मा को से पाने वाला कहा गया है। अतः यहाँ उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा यही मानना उचित है। संबंध प्रकारांतर से पुनः उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं। शब्द विशेषात उपास और उपासक के लिए शब्द का भेद होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है। व्याख्या छांदोग उपनिषद 3.14 के तीसरे और चौथे मंत्र में कहा गया है कि यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा यह ब्रह्म है। इस कथन में ऐसा यह आत्मा तथा ब्रह्म ए प्रथमांत शब्द उपास्य देव के लिए प्रयुक्त हुए हैं और मैं अर्थात मेरा यह षष्ठयंत पद भिन्न रूप से उपासक जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनों के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में भेद होने के कारण उपास्य देव जीवात्मा से भिन्न सिद्ध होता है। अतः जीवात्मा को उपास्य देव नहीं माना जा सकता। एष मे अन्नात्मान्तर्हृदयान् बृहेर्वा यावद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डूलाद्वै स्म आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान्तरिक्षा जज्यायायान् द्यो ज्याया ज्ञानेभ्यो लोकेभ्यः। छांदोग उपनिषद 3.14.3 सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदाभ्यात्तदो अवाक्यानादरहे सम आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मोत्मीत प्रत्याभि संभवेतास्मि। छांदोग उपनिषद 3.14.4 ये दोनों मंत्र चौथे सूत्र की टिप्पणी में देखें।
संबंध इसके सिवाय स्मृतेश्च एक दो छह स्मृति स्मृति प्रमाण से च भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। व्याख्या श्रीमद्भागवत गीता आदि स्मृति ग्रंथ से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। जैसे मयैव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गीता 12:8 मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावं याति नास्यत्रं संशय। गीता 8:5 और जो पुरुष अनंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मर कर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। अतः इस प्रसंग के वर्णन में उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है, आत्मा या अन्य कोई नहीं है, यह मानना ठीक है। संबंध छांदोग्य उपनिषद के 3:14 के तीसरे और चौथे मंत्र में उपास्य देव को हृदय में स्थित एक देशी बतलाया है तथा तीसरे मंत्र में उसे सरसों और सांवा के दाने से भी छोटा बताया गया है। इस अवस्था में उसे परम ब्रह्म कैसे माना जा सकता है, इस पर कहते हैं अर्भ कौकसत्वात् दव्य पदे साचनीति चेन्यानि चाय त्वादेवं व्योमवच्य चेत। यदि कहो अर्भ कौकसत्वा पास देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला है इसलिए च तथा तदव्य पदे सात उसे अत्यंत छोटा बताया गया है, इस कारण न वह ब्रह्म नहीं हो सकता इति न तो यह कहना ठीक नहीं है। नीचाय त्वात् क्योंकि वह हृदय देश में द्रष्टव्य है इसलिए एवं उसके विषय में ऐसा कहा गया है। च तथा व्योमवत् वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है इस दृष्टि से भी ऐसा कहना उचित है। व्याख्या यदि कोई यह शंका करे कि छांदोग्य उपनिषद 3:14 के तीसरे और चौथे मंत्र में उपास्य देव का स्थान हृदय बताया गया है जो बहुत छोटा है तथा तीसरे मंत्र में उसे धान जौ सरसों तथा सांवा से भी अत्यंत छोटा कहा गया है, इस प्रकार एक देशी और अत्यंत लघु बताया जाने के कारण यहाँ उपास्य देव परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा को सबसे बड़ा सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान बताया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मंत्र में जो परम ब्रह्म परमात्मा को हृदय में स्थित बताया गया है वह उसके उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से है। भाव यह है कि परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक है, अतः वह सर्वत्र प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी है और उसके बाहर भी है। ईशावास्य उपनिषद 5 गीता 13:15-2 अतयो उसके हृदय बता देने मात्र से उसका एक देशी होना सिद्ध नहीं होता तथा जो उसे धान जौ सरसों और सांवा के दाने से भी छोटा बताया गया है इससे श्रुति का उद्देश्य उसे छोटे आकार वाला बताना नहीं अपितु अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों ग्राह्य अग्राह्य ग्रहण करने में न आने वाला बतलाना है। इसलिए उसी मंत्र में यह भी कहा गया कि वह पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूलोक और समस्त लोकों से भी बड़ा है। भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त लोकों के बाहर भीतर व्याप्त और उनसे परे भी सर्वत्र वही है, इसलिए यहाँ उपास्य देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। तदंतर सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यत बहेतरंस भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मतत्वात् बीजे दूरस्थ चांतिके च तत। गीता वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है तथा चर और अचर भी है तथा वह सूक्ष्म होने से अबीजीय है और अत्यंत समीप एवं दूर में भी स्थित वही है। संबंध परम ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर भी उनके सुख दुख से अभिभूत नहीं होता, उसकी इस विशेषता को बताने के लिए कहते हैं संभोग प्राप्ते रिते चैन वैशेष्यात् चेत। यदि कहो संभोग प्राप्ति सबके हृदय में स्थित होने से चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा इति न तो ऐसा करना
कहना ठीक नहीं है। वैसे स्यात् क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस परम ब्रह्म में विशेषता है। व्याख्या, यदि कोई यह शंका करे कि आकाश की भांति सर्वव्यापक परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होने के कारण उन जीवों के सुख दुखों का भोग भी करता होगा क्योंकि वह आकाश की भांति जड़ नहीं चेतन है और चेतन में सुख दुख की अनुभूति स्वाभाविक है, तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा में कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन नहीं है। वह सबके हृदय में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से सर्वथा असंग यह जीवों की अपेक्षा उसमें विशेषता है। जीवात्मा को तो अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता है किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार है, वह केवल मात्र साक्षी है भोक्ता नहीं। मुंडकोपनिषद 3:1-1 इसलिए जीवों के कर्म फल रूप सुख दुख आदि से उसका संबंध होना संभव नहीं। ऊपर कहे हुए प्रकरण में सिद्ध किया गया है कि हृदय में निवास करते हुए परम ब्रह्म भोक्ता नहीं है, परंतु वेदांत में कहीं कहीं परमात्मा को भोक्ता भी बताया गया है। कठोपनिषद 1:2-25 फिर यह वचन किसी अन्य के विषय में है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है यह निर्णय करने के लिए आगे प्रकरण आरंभ करते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात्, चराचर ग्रहणात् चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ तयोरन्यः पिप्पलम् स्वाद्योत्यंसनन्यो अविचाकुषीति। अत्ता भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर ही। व्याख्या, कठोपनिषद 1:2-25 में कहा गया कि यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम ग इत्था वेद यत्र सः। अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात समस्त अस्थावर जंगम प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करने वाला मृत्यु उपसेचन व्यंजन शाक आदि बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह कौन जान सकता है। इस श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन है वह कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोगने वाला नहीं है अपितु संहार काल में मृत्यु सहित समस्त चराचर जगत को अपने में विलीन कर लेना ही यह उसका भोक्तापन है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा को ही यह अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसी को नहीं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। प्रकरण से च भी यह बात सिद्ध होती। व्याख्या, उपर्युक्त मंत्र में पूर्व 20वें से 24वें तक परम ब्रह्म परमेश्वर का ही प्रकरण है, उसी के स्वरूप का वर्णन करके उसे जानने का महत्व तथा उसी की कृपा को ही उसे जानने का बताया उपाय बताया गया। उक्त मंत्र में भी उस परमेश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ बताया गया है जो कि पहले से चल आते हुए प्रकरण के अनुरूप है। अतः पूर्वापर के प्रसंग को देखने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर को ही अत्ता भोजन करने वाला कहा गया है। संबंध, अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बाद वाली श्रुति 1:3:1 में कर्म फल रूप रित को पीने वाला छाया और धूप के सदृश दो भक्त भोक्ताओं का वर्णन है। यदि परमात्मा कर्म फल का भोक्ता नहीं तो उक्त दो भोक्ता कौन कौन से हैं, इस पर कहते हैं गुहा प्रविष्टावात्मानो हेतादर्शनात्। गुहा हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट हुए दोनों आत्मानो जीवात्मा और परमात्मा ही है तदर्शनात्, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा जाता है। कठोपनिषद 1 में कहा है ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गोहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। अर्थात शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर परम ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदयाकाश में बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले दो हैं, वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं तथा जो 3 बार नचकेता अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं वे भी कहते हैं इस मंत्र में कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही हैं।
उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान स्वरूप एवं स्वप्रकाश, अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया गया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें जो कुछ स्वल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा ही का है। जैसे छाया में जो थोड़ा प्रकाश होता है और धूप ही का अंश होता है, इसलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है। दूसरी श्रुति में जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होना इस प्रकार कहा है। श्रेयं देवक्तैक्षत हन्तामिमास्ति स्त्रो देवतायनेन जीवेनात्मना नु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवान् छांदोग्योपनिषद 6:3-2। अर्थात उस देवता परमात्मा ने एक क्षण संकल्प किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि तीनों देवताओं में अर्थात इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूं, इससे भी यह सिद्धि प्राप्त होती है। उपर्युक्त कठोपनिषद के मंत्र में कहे हुए छाया और धूप सदृश दो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। यहाँ जो जीवात्मा के साथ परमात्मा को सत्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के फल का भोगने वाला बताया गया है, उसका यह भाव है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही समस्त देवता आदि के रूप में प्रकारांतर से समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, परंतु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिए वे भोक्ता होते भी हुए भी अभोक्ता ही हैं। संबंध उपर्युक्त कथन की सिद्धि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। विशेषणाच्य विशेषणाच्य आगे के मंत्रों में दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए च भी उपर्युक्त दोनों भोक्ताओं को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। व्याख्या इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में उस परम अक्षर ब्रह्म को संसार से पार होने की इच्छा वालों के लिए अभय पद बताया गया है, तथा उसके बाद रथ के दृष्टांत में जीवात्मा को रथी और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्तव्य परम धाम के नाम से कहा गया है। इस प्रकार उन दोनों के लिए पृथक पृथक विशेषण होने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहा में प्रविष्ट बताया गया है वे जीवात्मा और परमात्मा ही है। संबंध यहाँ जिज्ञासा होती है कि परमात्मा की उपलब्धि हृदय में होती है, इसलिए उसे हृदय में स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छांदोग्य उपनिषद 15:1 में ऐसा कहा गया है कि यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है और यह आत्मा है, यह अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है। अतः यहाँ नेत्र में स्थित पुरुष कौन है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्ते मृच क्षति अहम हे सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च सर्वेन्द्रिय गुणाभाषं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्ववृच्छ चैवं निर्गुणं गुण भोक्त्रे च। अनंतर उपपत्ते अंतरे जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है उपपत्ते, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। व्याख्या यह प्रसंग छांद्योग उपनिषद में 4 अध्याय के 10वें खंड से आरंभ होकर 15वें खंड में समाप्त हुआ है। प्रसंग यह है कि उपकोशल नाम का ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु और अग्नियों की सेवा करता है। सेवा करते करते उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गुरु ने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया। इसके विपरीत उसी के साथ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया। तब आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा, भगवान इस ब्रह्मचारी ने अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है, तपस्या भी इसने की है, अब इसे उपदेश देने की कृपा करें। परंतु अपनी भार्या की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकोशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकोशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय किया। यह देख आचार्य पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी तू भोजन क्यों नहीं करता?
उसने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी कामनाएं रहती हैं, मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। कौशल बोला, यह बात तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु क और ख को नहीं जानता। अग्नियों ने कहा, यद्वाम कम तदेव खम, यदेवम खम तदेव किमितम प्राणम च। अर्थात निसंदेह जो क है वही ख है, और जो ख है वही क है, तथा प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क सूक्ष्म स्वरूप और ख आकाश की भांति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया। साथ ही वही प्राण रूप से सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, इस प्रकार संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया है। उसके बाद ग्रहपत्य अग्नि ने प्रकट होकर कहा, सूर्य में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह पापों का नाश करके अच्छे लोगों का अधिकारी होता है, तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्ज्वल जीवन से युक्त होता है, उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद अनवाहार्य पचन अग्नि ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ। जो मनुष्य इस राज्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी होता है, इत्यादि। तत्पश्चात आह्वनी अग्नि ने प्रकट होकर कहा, बिजली में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। इसको जानकर उपासना करने का फल भी उन्होंने दूसरी अग्नियों की भांति ही बताया। तदंतर सब अग्नियों ने यह एक साथ कहा, हे उपकोशल, हमने तुमको हमारी विद्या अग्नि विद्या और आत्म विद्या दोनों ही बतलाई, आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलाएगा। इतने में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, सौम्य तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता की भांति चमकता है, तुमने तुझे किसने उपदेश दिया? उपकोशल ने अग्नियों की ओर संकेत किया। आचार्य ने पूछा, इन्होंने तुझे क्या बतलाया? तब उपकोशल ने अग्नियों से सुनी हुई सब बातें बता दी। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, हे सौम्य, इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति के साधन का उपदेश दिया है, अब मैं तुझे वह उपदेश देता हूँ जिसे जान लेने वाले को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे कमल के पत्ते को जल। उपकोशल ने कहा, भगवान बदलाने की कृपा कीजिए। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, यीशु अक्षणी पुरुषो दृश्यते ये सहयात्मेति ओ वाचेदमृतम भय में तद ब्रह्मोति। अर्थात जो नेत्र में यह पुरुष दिखलाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। उसी के बाद उसी को संयम द्वाम वामनी और भामनी बतलाकर अंत में इन विद्याओं का फल अर्ची मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है। इस प्रकरण को देखने से मालूम होता है कि आँख के भीतर दिखने वाला पुरुष परम ब्रह्म ही है। जीवात्मा या प्रतिबिंब के लिए यह कथन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उसका वर्णन करके उसे आत्मा अमृत अभय और ब्रह्म कहा है। इन विशेषणों की उत्पत्ति ब्रह्म में ही लग सकती है, अन्य किसी में नहीं। संबंध, अब यह जिज्ञासा होती है कि यहाँ ब्रह्म को आँख में दिखने वाला पुरुष क्यों कहा गया? वह किसी स्थान विशेष में रहने वाला थोड़े ही है। इस पर कहते हैं, अस्थाना दिव्य पदेशात। श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए च भी नेत्रांतवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, श्रुति में जगह जगह ब्रह्म को समझाने के लिए उसके स्थान तथा नाम रूप आदि का वर्णन किया गया है, जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण बृहद उपनिषद में ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित बताया गया है। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में वर्णन आया है, अतः यहाँ ब्रह्म को नेत्र में दिखाने वाला कहना अयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आँख में दिखने वाला पुरुष भी आँख के दोषों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इस समानता को लेकर ब्रह्म का तत्व समझाने के लिए ऐसा कहना उचित ही है, इसलिए यहाँ यह भी कहा है कि आँख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह आँख के पलकों में ही रहती है, दृष्टा पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती है। संबंध, उक्त सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं, सुख विशिष्टाभिधानादेव च तथा सुख विशिष्टाभिधानात्
नेत्रांत वर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए ये वो भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है। व्याख्या, उक्त प्रसंग में यह कहा गया है कि यह नेत्रों में दिखने वाला पुरुष ही अमृत अभय और ब्रह्म है। इस कथन में निर्भयता और अमृतत्व ये दोनों ही सुख के सूचक है, तथा जब अग्नियों ने एकत्र होकर पहले पहल उपदेश दिया है, वहाँ कहा गया है कि जो क अर्थात सुख है वही ख अर्थात आकाश है। भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाश की बात अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापी और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार उसे आनंद युक्त बदलाए जाने के कारण वह ब्रह्म ही है। संबंध, इसके सिवाय श्रुतोपनिषत् क गत्य विधानाच, गत्य विधानात्, उपनिषद अर्थात रहस्य विज्ञान का श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मव्यक्ता की जो गति बदलाई है, वह गति इस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है। इससे च भी यही ज्ञात होता है कि नेत्र में दिखने वाला पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, इस प्रसंग के अंत में इस नेत्रांत वर्ती पुरुष को जानने वाले की वही पुनरावृत्ति रहित गति अर्थात दियोयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होने और वहाँ से पुनः इस संसार में न लौटने की बात बतलाई गई है, जो अन्यत्र ब्रह्मव्यक्ता के लिए कही गई है। प्रश्नोपनिषद में इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्र में दिखने वाला पुरुष ब्रह्म ही है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया वेद्याय आत्मानमन्वेष्या दित्यमभिजयन्ते तदा वै प्राणानामायत नमेतद् मृतमभयमेतत्परा यणमेतस्मान् पुनरावर्तन्ते इति स निरोधः। किंतु जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर आध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक को जीत लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही प्राणों का केंद्र है, यह अमृत और निर्भय पद है, यह परम गति है, इससे पुनः लौट कर नहीं आते। इस प्रकार यह निरोध पुनरावृत्ति निवारक है। संबंध, यदि इस प्रकरण में नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा इनमें से किसी एक को नेत्रांत वर्ती पुरुष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं अनुवस्थितेर संभवाचने तरह, अनुवस्थिते अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थित न होने के कारण च तथा असंभवात, श्रुति में बताए हुए अमृतत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव न होने से इतर ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई भी न नेत्रांतवर्ती पुरुष नहीं है। व्याख्या, छाया पुरुष या प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय में सदा नहीं रहता। जब कोई पुरुष सामने आता है तब उसका प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और उसके हटते ही अदृश्य हो जाता है। इंद्रियानुग्राहक देवता की स्थिति भी नेत्र में सदा नहीं रहती है। जिस समय वह इंद्री अपने विषय को ग्रहण करती है उसी समय वह उसके सहायक के रूप में उसमें स्थित माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मन के द्वारा एक समय किसी एक इंद्री के विषय को ग्रहण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही इंद्री के विषय को, और सुषुप्ति में तो किसी के भी विषय को ग्रहण नहीं करता। अतः निरंतर एक सी स्थिति आँख में न रहने के कारण इन तीनों में से किसी को नेत्रांत वर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष के जो अमृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुति ने बताए हैं वे ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में संभव नहीं है। इस कारण भी उपर्युक्त तीनों में से किसी को नेत्रांतवर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर को ही यहाँ नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष कहा गया है, यही मानना ठीक है। संबंध, पूर्व प्रकरण में यह बात बताई गई है कि श्रुति जगह जगह ब्रह्म के लिए भिन्न भिन्न स्थान आदि का निर्देश दिया है। अब पुनः अधिदैव अधिभूत आदि में उस ब्रह्म की व्याप्ति बदला कर उसी बात का समर्थन करने के लिए आगे प्रकरण आरंभ किया जाता है। अंतर्याम्य अधिदैवादिषु
तदर्मपदेशात्। आज दैवादिशु, आज दैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी, जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है, वह परम ब्रह्म ही है। तदर्म व्यपदेशात्, क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। व्याख्या, बृहदारण्यक उपनिषद 3:7 में यह प्रसंग आया है। वहाँ उद्दालक ऋषि ने या ज्वलक मुनि से पहले तो सूत्रात्मक विषय में प्रश्न किया, फिर उस अंतर्यामी के संबंध में पूछा जो इस लोक और परलोक को तथा समस्त भूत प्राणियों को उनके भीतर रहकर नियंत्रण में रखता है। इसके उत्तर में याजुलक ने सूत्रात्मा तो वायु को बताया है और अंतर्यामी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते उसे जड़ चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इंद्रियों और संपूर्ण जीवों का नियंता बताकर अंत में इस प्रकार कहा है। एषत आत्मा अंतर्याम्यमृतो अधृष्टो दृष्टा श्रुतो श्रोता मतो मन्ता विज्ञातो विज्ञाता नान्यो यतो यस्ति दृष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता नान्यो अतो अस्ति मन्त्रा नान्यो अतो अस्ति विज्ञाते स न त आत्मा अंतर्याम्यमृतो अतो अन्यदार्थम। अर्थात है तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको सुनने वाला है, और मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं सबका मनन करने वाला है। वह विशेष रूप से किसी के जानने में नहीं आता किंतु स्वयं सबको विशेष रूप से भली भांति जानता है। ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है। इस वर्णन में आए हुए महत्व सूचक विशेषण परम ब्रह्म में ही संगत हो सकते हैं। जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। अतः इस प्रसंग में ब्रह्म को ही अंतर्यामी बताया गया है, यही मानना ठीक है। संबंध, पूर्व सूत्र में विधि मुख से यह बात सिद्ध की गई कि अंतर्यामी ब्रह्म ही है। अब निषेध मुख से यह सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकता। न च इस्मार्त मधर्माभिलापात। इस्मार्तम सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति च भी न अंतर्यामी नहीं है। अतः धर्माभिलापात, क्योंकि इस प्रकरण में बताए हुए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं है। व्याख्या, सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित जड़ प्रकृति के धर्मों का वर्णन वहाँ अंतर्यामी के लिए नहीं हुआ, अपितु चेतन परम ब्रह्म के धर्मों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। इस कारण वहाँ कहा हुआ अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती। अतः यही सिद्ध होता है इस प्रकरण में अंतर्यामी के नाम से परम ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ है। संबंध, यह ठीक है कि जड़ होने के कारण प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता, परंतु जीवात्मा को तो चेतन है तथा वह शरीर और इंद्रियों के भीतर रहने वाला है और उनका नियमन करने वाला भी प्रत्यक्ष है, अतः उसी को अंतर्यामी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, शरीर चो भयो यपि ही भेदे नमधीयते। शरीर में रहने वाला जीवात्मा च भी न अंतर्यामी नहीं है ही, क्योंकि उभय अपि माध्यन्दिनी तथा काण दोनों शाखाओं वाले एनम इस जीवात्मा को भेदने अंतर्यामी से भिन्न मानकर अधीयते अध्ययन करते हैं। व्याख्या, माध्यन्दिनी और काण दोनों शाखाओं वाले विद्वान, यायात्माने तिष्ठन्नात्मनोऽनन्तरो यामात्मान वेद यस्यात्मा शरीर आत्मान्मन्तरो यमयति सतयात्मान्तर्यामयमृत। सत्पद ब्राह्मण, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यम विज्ञानं वेद यस्य विज्ञानं शरीरम् यो विज्ञान। अंतर्यामी को पृथ्वी आदि की भांति जीवात्मा के भीतर रहकर उसका नियमन करने वाला मानते हैं। वहां जीवात्मा को नियम्य और अंतर्यामी को नियंता बताया गया है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण वहां अंतर्यामी पद परम ब्रह्म परमात्मा ही वाचक है, जीवात्मा नहीं। संबंध, 19वें सूत्र में
यह बात कही गई है कि दृष्टापन आदि चेतन के धर्म जड़ प्रकृति में नहीं घट सकते, इसलिए वह अंतर्यामी नहीं हो सकता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि मुंडकोपनिषद में जिसको अदृश्यता, अग्रहता आदि धर्मों से युक्त बतलाकर अंत में भूतों का कारण बताया गया है, वह तो प्रकृति हो सकती है, क्योंकि उस जगह बताए हुए सभी धर्म प्रकृति में पाए जाते हैं। इस पर कहते हैं अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्त है, अदृश्यत्वादि गुणक अदृश्यता आदि गुणों वाला परमेश्वर परम ब्रह्म ही धर्मोक्त, क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है। व्याख्या मुंडकोपनिषद में यह प्रसंग आया है कि महर्षि शौनक विधि पूर्वक अंगिरा ऋषि की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, भगवान किसको जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता। इस पर अंगिरा ने कहा, जानने योग्य विद्याएं दो हैं, एक अपरा दूसरी परा। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, शिक्षा कल्प, निरुक्त छंद, व्याकरण और ज्योतिषी है, और परा वह है जिससे अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। यह कहकर उस अक्षर को समझाने के लिए मंत्रो यति सहत आत्मान्तर्याम्यमृत बृहदारण्यक उपनिषद। जो जीवात्मा में रहने वाला, जीवात्मा के भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अंगिरा ने उसके गुण और धर्मों का वर्णन करते हुए कहा मुंडकोपनिषद में, यतद्दृश्य मंग्राहय मगोत्र मवर्णम चक्षुस्त्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सूक्ष्मं तदव्ययं यद भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। अर्थात जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है, पकड़ने में आने वाला नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं, जो आँख का अंत था, हाथ पैर से रहित है, नित्य व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है, उसको धीर पुरुष देखते हैं, वह समस्त भूतों का परम कारक है। फिर नवम मंत्र में कहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मा नाम रूप मनन च जायते। जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से यह विराट रूप समस्त जगत तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है, वे परम ब्रह्म परमेश्वर के ही हैं, तथा एक ब्रह्म को जान लेने पर ही सब कुछ जाना हुआ हो सकता है, अन्य किसी के जानने से नहीं। इसलिए उस प्रकरण में किसी अदृश्यता आदि गुणों वाला बताया गया है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या प्रकृति नहीं है। इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्य परमेश्वर सूचक विशेषणों का कथन होने से तथा प्रकृति और जीवात्मा से उसको भिन्न बताए जाने के कारण च भी इतरो, दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति न अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत के कारण नहीं कहे जा सकते। व्याख्या इस प्रकरण में जिसको अदृश्यता आदि गुणों से युक्त और सब भूतों का कारण बताया गया है, उसके लिए सर्वज्ञ आदि विशेषण दिए गए हैं, जो न तो प्रधान जड़ प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और न अल्पज जीवात्मा के लिए ही। इसके सिवाय उन दोनों को ब्रह्म से भिन्न कहा गया है। मुंडकोपनिषद 3:1-7 में उल्लेख है कि पश्यत्वेश्व वहैवनीतं गुहायां, अर्थात वह देखने वाले के शरीर के भीतर यही हृदय देश में छिपा हुआ है, हृदय देश गुफा में छिपा हुआ। इसके अनुसार जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसके सिवाय मुंडकोपनिषद 3:1-2 में भी कहा है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमान जुष्टम यदा पश्यन्यमीस्मस्य महिमानमिति वीतशोकः। शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाला है जीवात्मा, शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है,
अपने को असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता हुआ, परंतु वह जब वहीं स्थित था भक्त जनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को समझ लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा परमेश्वर को जीवात्मा से तथा शरीर रूपी वृक्ष से भी भिन्न बताया गया है। अतः यहाँ जीव और प्रकृति दोनों में से कोई भी अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत कारण नहीं हो सकता। इस प्रकरण में जिसे समस्त भूतों का कारण बताया गया है वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। इसी की पुष्टि के लिए दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हैं। रूपोपन्यासाच्य, रूपोपन्यासात् श्रुति में उसी के निखिल लोक में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। इससे च भी वह परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या, मुंडकोपनिषद 2.1.4 में परम ब्रह्म परमेश्वर के सर्वलोकमय विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है। अग्नि रमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः सोत्रे वागृताश वेदा वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि परमेश्वर का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है। वायु इसका प्राण और संपूर्ण विश्व हृदय है। इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप का उल्लेख करके उसे सबका अंतरात्मा बताया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में भूत योनि के नाम से परम ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, यह निश्चित होता है। संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद 5.18.2 में वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए देवलोक को उसका मस्तक बताया है। वैश्वानर शब्द जठराग्नि वाचक है, यह वर्णन जठराग्नि जठरा नल के विषय में है या अन्य किसी के, इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषा, वैश्वानर वहाँ वैश्वानर नाम से परम ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। साधारण शब्द विशेषात्, क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन साधारण शब्दों की अपेक्षा परम ब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्याख्या, छांदो उपनिषद में 5वें अध्याय के 11वें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ है वह इस प्रकार है। प्राचीन साल सत्य यज्ञ इंद्रदुम्न जन तथा बुडिल ये पांचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थों और महान वेदवक्ता थे। इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का क्या स्वरूप है। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो यह निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं, हम लोग उन्हीं के पास चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दालक मुनि के यहाँ गए। उन्हें देखते ही मुनि ने अनुमान कर लिया, ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे किंतु मैं इन्हें पूर्णतः उत्तर नहीं दे सकूंगा, अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। यह सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा, आदरणीय महर्षियों, इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है, आइए हम सब लोग उनके पास चलें। यूँ कहकर उन सब के साथ उद्दालक मुनि वहाँ गए। राजा ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। दूसरे दिन उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन देने की बात कही। इस पर उन महर्षियों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वहीं दीजिए। हमें पता लगा है आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसी का हमारे लिए उपदेश करें। राजा ने दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा, इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं। उनमें से उपमन्यु पुत्र प्राचीन साल ने उत्तर दिया, मैं द्विलोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ। फिर सत्यज्ञ बोले, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। इंद्रदुम्न ने कहा, मैं वायु की उपासना करता हूँ। जन ने अपने को आकाश और बुडिल ने जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की उपासना आपके द्वारा होती, अतः यह सर्वांग पूर्ण नहीं है, क्योंकि तस्य वाये तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सूते जास चक्षुर विश्वरूप प्राण पृथक्वर्तमात्मा संदेहो बहुलो।
वस्तिर्योरई पृथिवीरुपादाउ एव वेदिर्लोमानि बर्हेर हृदयं ग्राहपत्यो मनो अनवार्य पचनम आस्यमाहवनी। अर्थात उस इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का द्विलोक मस्तक है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल वस्ती स्थान पृथ्वी दोनों चरण है, वेदी वक्ष स्थल है और दर्भ लोम है, ग्राहपत्य अग्नि हृदय है, अनवाहार्य पचन अग्नि मन है और आह्वनी अग्नि मुख है। इस वर्णन से मालूम होता है कि हाँ विश्व के आत्मा रूप विराट पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्द की अपेक्षा परम ब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का जगह जगह प्रयोग हुआ है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। स्मर्यमाण मनुमान स्यादि स्मर्यमाणम स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह अनुमानम मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय कराने वाला है। इति स्यात्, इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है। व्याख्या, महाभारत शांति पर्व में 47-69 में कहा है, यस्याग्निराज्यधियोर्मूर्धाखं नाभिश्चणोचिति सूर्यश्चक्षुर्दिशा सूत्रं तस्मै लोकात्मने नमः। अग्नि जिसका मुख द्विलोक मस्तक आकाश नाभि पृथ्वी दोनों चरण सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। स्मृति के वचन से उसकी मूलभूत किसी श्रुति का होना सिद्ध होता है। उपर्युक्त छांदोग्य श्रुति में जो वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन है वही पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है। अतः यहाँ उस परम ब्रह्म विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है। यह बात स्मृति से भी सिद्ध होती है। अतियो जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ से परम ब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहे, जठरा नल या जीवात्मा का नहीं। मांडुकोपनिषद में ब्रह्म के चार पादों का वर्णन करते समय ब्रह्मा का पहला पाद वैश्वानर को बताया है, वहाँ भी वह परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है, जठराग्नि या जीवात्मा का नहीं। उपर्युक्त बातों की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठाना चनेति चिन्ह तथा दृष्टयुपदेशा दशम्भवात् पुरुषमापि चयन मधीयते चेत। यदि कहो शब्दादिभ्य शब्दादि हेतुओं से अर्थात अन्य श्रुतियों से वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ और इस मंत्र में ग्राहपति आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया, इसलिए चौथा अंत प्रतिष्ठानात् श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया, इसलिए भी न यह वैश्वानर शब्द परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है। इति न तो यह कहना ठीक नहीं तथा दृष्टियुपदेशात् क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है, असंभवात् इसके सिवाय केवल जठरानल का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं, इसलिए चर्था एनम इस वैश्वानर को पुरुषम पुरुष नाम देकर अपि भी अधीयते पढ़ते हैं। इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परम ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या, यदि कहो कि अन्य श्रुति में स यो हैत मैं अग्नि वैश्वानर पुरुष विधि पुरुष अंत प्रतिष्ठित वेद सत्पद ब्राह्मण अर्थात जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का था पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेष विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ था। जिस श्रुति पर विचार चल रहा है इसमें ग्राहपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया, इसी प्रकार भगवद गीता में कहा है कि मैं वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित हो चार प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इन सब कारणों से यह वैश्वानर के नाम से जठराग्नि का ही वर्णन है परमात्मा का नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सतपद ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से ही है, यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता। तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया गया वहाँ भी उसमें परमात्मा बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है। इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया, सिर से लेकर पैरों
पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यहाँ जठराग्नि के लिए असंभव भी है एवं शतपथ ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं है। इन सभी कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, जठराग्नि या अन्य कोई नहीं। संबंध इस प्रसंग में पृथक उपास्य पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दीव आदित्य वायु आकाश जल तथा पृथ्वी वैश्वानर नहीं है यह सिद्ध करने के लिए कहते हैं। अत योन देवता भूतम च अत उपर्युक्त कारणों से एव ही यह भी सिद्ध होता है कि देवता देव सूर्य आदि लोगों के अधिष्ठाता देवगण च और भूतम आकाश आदि भूत समुदाय भी न वैश्वानर नहीं है। व्याख्या उक्त प्रकरण में देव सूर्य आदि लोगों की तथा आकाश वायु आदि भूत समुदाय की अपने आत्मा के रूप में उपासना करने का प्रसंग आया है, इसलिए सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व सूत्र में बताए हुए कारणों से यह भी समझ लेना चाहिए कि उन लोगों के अभिमानी देवताओं तथा आकाश आदि भूतों का भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया। यह कथन न तो देवताओं के लिए संभव हो सकता है और न भूतों के लिए, इसलिए यही मानना चाहिए कि जो विश्वरूप भी है और नर पुरुष भी है वह वैश्वानर है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार परम ब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा गया। संबंध पहले 26वें सूत्र में ही बात बताई गई कि शतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जठराग्नि ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सालग्राम शिलाओं में विष्णु की उपासना के सदृश यहाँ वैश्वानर नामक जठराग्नि में परमेश्वर की प्रतीति को वासना बदलाने के लिए वैश्वानर नाम से उस ब्रह्म का वर्णन है। अतः इस पर सूत्रकार आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं। साक्षादप्य विरोधम जैमिनी, साक्षात वैश्वानर शब्द को साक्षात परम ब्रह्म वाचक मानने में अपि भी अविरोधम कोई विरोध नहीं है ऐसा जैमिनी आचार्य जैमिनी कहते हैं। व्याख्या आचार्य जैमिनी का कथन है कि वैश्वानर शब्द को साक्षात विश्वरूप परमात्मा का वाचक मानने में कोई विरोध नहीं, अतः यहाँ जठराग्नि को प्रतीक मानकर उसके रूप में परमात्मा की उपासना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध उपर्युक्त सूत्रों द्वारा यह बात सिद्ध हो गई कि वैश्वानर नाम से इस प्रकरण में परम ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया गया, किंतु निर्विकार निराकार अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबंध बदलाना किसी अभिप्राय से है और निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध सा प्रतीत होता। इस पर 29वें सूत्र में 31वें तक विभिन्न आचार्यों का मत बताते हुए अंत में 32वें सूत्र में अपना सिद्धांत कहकर सूत्रकार इस दूसरे पाद को समाप्त करते हैं। अभिव्यक्तिमर्थ्य अव्यक्तरे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देश विदेश में ब्रह्म का प्रकट होता, इसलिए अविरोध कोई विरोध नहीं है इति ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते। व्याख्या आस्मरथ आचार्य का कहना कि भक्तजनों पर अनुग्रह करके उनके दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार नाना रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन स्पर्श और प्रेमालाप आदि के द्वारा सुख पहुँचाने उनका उद्धार करने और जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन सम्मानन द्वारा साध को कुपरम लाभ पहुँचाने के लिए भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते हैं। यह बात उपनिषद केन गीता और अन्य सब ग्रंथों में भी प्रमाणित है। इस कारण विराट रूप में उस परम ब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार तथा देश विशेष संबंधी मानने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि वह सर्वसमर्थ भगवान देश कालातीत और देश काल से संबंध रखने वाला भी है। वह जिस प्रकार निर्गुण निराकार उसी प्रकार सगुण साकार भी है। यह बात मांडुको उपनिषद में परम ब्रह्म परमात्मा के चार पादों का वर्णन करके भली बात बताया गया है। अब इस विषय में बादरी आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। अनुस्मृति विराट रूप अनुस्मृति परमेश्वर निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष संबंध बताने में अविरोध कोई विरोध नहीं इति ऐसा बादरी नामक आचार्य का मानना है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा कहा गया है, यदि उरुगाय विभावयन्ति तदतो प्राणयसे सनुग्राय समाप्ते जैमिनी तथा हे दर्शयति परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्यों से संपन्न, इसलिए उसे देश विशेष संबंध रखने वाला मानने कोई विरोध नहीं। इसी
ऐसा जैमिनी आचार्य मानते, क्योंकि तथा ऐसा ही दर्शयति दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है। आमनन्ति जैनमस्मिनम, इस वैदिक अस्मिन सिद्धांत में एनम इस परमेश्वर को एवं ऐसा च ही आमनन्ति प्रतिपादन करते हैं। इसके साथ दूसरा जो है पाद समाप्त करता है। आशा करता हूँ आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। धन्यवाद।